राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के अवसर पर जिले में अग्निशमन कर्मियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही अग्निशमन सेवा में शहीद हुए सभी अग्निवीरों को श्रद्धांजलि दी गई। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग द्वारा गुरुवार को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के अवसर पर जिला अग्निशमन कार्यालय से अग्निशमन में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दुर्ग जिले में अग्निशमन कर्मियों द्वारा लोगों के बीच जागरूकता लाने रैली निकाली गई, जिसे जिला के अग्निशमन अधिकारियों द्वारा रैली को रवाना किया गया, जिसमें दुर्ग भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों का गश्त करते हुए एवं लोगों को जागरूकता उत्पन्न किया जा रहा था कि आपात स्थिति में अग्निशमन यंत्र का उपयोग करें और आग नियंत्रण न होने के बाद अग्निशमन को कॉल कर सूचित करें, साथ ही दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखें। यह रैली के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न की गई। साथ ही इस रैली का समापन दुर्ग अग्निशमन कार्यालय में हुआ। गौरतलब है कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के मद्देनजर इस दिवस के अवसर पर वाहन रैली निकालकर लोगों को आभास दिलाया, साथ ही इसको लेकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में पटेल चौक पर पहुंची जागरूकता रैली के अग्निशमन कर्मियों का शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और जैन समाज की महिलाओं द्वारा रैली का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर विधायक और महापौर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संभागीय सेनानी रायपुर अनिमा कुजूर की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर अग्निशमन स्टेशन से रैली की शुरुआत हुई, जो शहर के विभिन्न चौक से होते हुए वापस फायर स्टेशन पर समाप्त हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को आग से सुरक्षित रखने एवं अग्निशमन से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के संसाधनों से लोगों के समक्ष प्रदर्शन करना भी रहा। इस संबंध में न्यूज़ टीम को SDRF के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग 14 अप्रैल को ये अग्नि सुरक्षा दिवस मनाते हैं और एक सप्ताह तक चलता है हमारा, 14 से 20 तक। तो आज उसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत के पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारे अग्नि दुर्घटना में जो भी हमारे अग्नि सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं, एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देना है। और क्या कारण है कि जो है अग्नि दुर्घटना बढ़ती जा रही है, तो लोगों को अवेयर भी करना है। तो आज ये पहला दिन था, पहले हम लोगों ने उनके लिए मतलब जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद एक जागरूकता रैली निकाली पूरे शहर में। तो लोगों को हमारे उद्देश्य था कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना था, साथ ही अपने विभाग का एक वो भी दिखाना, प्रदर्शन भी करना था कि अगर कुछ होता है तो हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अगर आपको अगर कुछ अग्नि दुर्घटना या कुछ होता है तो डायरेक्ट तुरंत 101 या 112 पे आप कॉल करें, हम जितना यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है आपकी सेवा में हम वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो दूसरा एक और ये था कि लोगों को अवेयर करना था कि लोग अपनी सुरक्षा अग्नि अशामक यंत्र या जो अन्य बड़े संस्थान हैं वो खुद अपना फायर फाइटिंग सिस्टम जो है अपना लगाएं और अपने जानमाल साथ ही दूसरों की जानमाल की रक्षा कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।